नमस्कार, जन मीडिया टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम प्रयागराज में पहुंचे हुए हैं और प्रयागराज के मीरगंज वार्ड नंबर 77 में हैं। वहां पे हमारे साथ है अभी इस समय सुनीता चोपड़ा जी। आइए समझते हैं कि कैसा उनका राजनीतिक कैरियर रहा और इस राजनीतिक कैरियर के बाद जो इनके पास जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन वो कैसे कर रही हैं। नमस्कार। सुनीता जी, हमारे दर्शक दीर्घा जानना चाहेंगे कि आपकी जो राजनीतिक जो कैरियर है उसको आपने कैसे स्टार्ट किया है और जो पिछले 15 सालों से आप यहाँ पे पार्षद की व्यवस्था देख रहे हैं या सत्येंद्र जी की तरफ से जो कार्य हुए हैं उसके विषय में थोड़ा सी जानकारी। देखिए, सत्येंद्र जी पिछले 15 साल से पार्षद थे जी, और अभी 1 साल पहले उनका इंतकाल हो गया जी। तो उनके डेथ के बाद महापौर जी से हमने संपर्क किया तो महापौर जी ने ये कहा कि आप तो उनकी जगह का जितना भी उनके हमारे उनका क्षेत्र है जो मीरगंज, उसका आप सारा कार्यभार अपने ऊपर ले लीजिए। तो मैं उन्हीं के हिसाब से, क्योंकि मैंने देखा हुआ था कि वो किस तरीके से काम करते थे, तो मैंने उन्हीं के हिसाब से सारे काम का जिम्मेदारी ले ली। और उनका वार्ड बहुत बड़ा है जी। मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि इतने एरिया हैं इनके वार्ड में कि सुबह से शाम भी हो जाएगी तो आप काम नहीं निपटा पाएंगे। लेकिन उसके बाद भी मैंने बहुत प्रयास किया और मैं ये पूरी कोशिश करती हूँ कि उनके दिखाए हुए पदचिन्हों पर चलूँ और उसी हिसाब से मैं सारा कार्य संभाले हूँ। सुनीता जी, एक चुनौती तो होती ही है महिला होने के नाते भी आपके पास एडिशनल जिम्मेदारी होती है, घर का भी जिम्मेदारी है, प्लस आपको वार्ड का भी देखना है, जो पब्लिक है उनकी जो महत्व आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षा तो नहीं, आकांक्षाएं जो हैं आपसे वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है, क्योंकि पिछले 15 सालों से आप उनकी सेवा में रत हैं और लोगों ने आप पे विश्वास भी दिखाया है, कैसे इनको मैनेज करते हैं? जो हमारे हस्बैंड थे सत्येंद्र जी, वो उन्होंने इतना कार्य किया है कि मैं आज जो भी कुछ हूँ उन्हीं की वजह से जी। और लोग उनके नाम से मुझे अभी जानते हैं, अब मुझे पर्सनली जानने लगे हैं क्योंकि मैं स्वयं निकल के कार्य कराती हूँ, तो अब उनका नाम भी जुड़ा है लेकिन मेरा भी नाम उनके साथ चल रहा है आगे, और मैं उनके काम को उसी तरीके से कर रही हूँ जैसे वो करते थे। तो मैं सारा काम मैंने उन्हीं के हिसाब से सेट कर दिया है जी। सवेरे सफाई नायक के पास जाना, उनको लेकर के क्षेत्र में जाना, जो लोगों के कॉल्स आते हैं उसको अटेंड करना, कभी भी मेरा मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होता जी। चाहे रात में और चाहे दिन में, जैसे उनका नहीं होता था वैसे ही मेरा भी नहीं होता। आधी रात में भी कोई अगर मुझे कोई काम कह देता, जैसे बहुत बार ऐसा पड़ा कि जैसे पानी की जरूरत थी लोगों को रात में 11 बजे और नहीं पानी अवेलेबल हो पा रहा था, तो मैंने रात में 11:30 बजे ट्यूबवेल चलवा के लोगों को पानी दिलवाया। अच्छा जी, तो ये सब चीज़ें मतलब चोपड़ा जी का ही एक दिया हुआ वो है, वरदान है मेरे लिए, क्योंकि उनकी इतनी गुडविल थी क्षेत्र में कि बच्चा बच्चा उनके नाम को जानता है जी। अगर आप मेरे किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आप किसी भी एरिया में चले जाइए, अगर आप सत्येंद्र चोपड़ा जी का नाम ले लेंगे आदमी आपको तुरंत पहचान देंगे। तो पहले तो धीरे धीरे हम निकले, क्योंकि मैं कभी निकलती नहीं थी, जब इनकी डेथ के बाद मैं जब निकलने लगी और काम को देखने लगी तो पहले तो मुझे इंट्रोडक्शन देना पड़ता था कि चोपड़ा जी की पत्नी, अब मुझे ये नहीं करना पड़ता है। अब लोगों के पास मेरे नंबर हैं, मैंने विजिटिंग कार्ड छपवाए थे वो भी सबको दे दिए हैं कि आप लोगों को कोई भी समस्या हो क्षेत्र की, किसी भी तरीके की समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क करें। तो उसका रिस्पॉन्स ये हुआ कि क्षेत्र के सभी लोग मुझे जानने लगे हैं, तो मेरे पास आप दिन भर में आप समझ लीजिए 15-20-25 कॉल आ जाते हैं काम से संबंधित, और भी चीज़ें हैं जो सफाई है और पर्सनल किसी का काम है तो हमारे पास फ़ोन आते हैं बराबर। तो ये हमारा रिस्पॉन्स देखकर ही लोगों को लगता होगा कि नहीं, अब इनको भी हम इनसे बात करेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। एक जो गैप था उस गैप को आपने फुलफिल कर दिया जी। सुनीता जी, एक जो प्रश्न ये बनता है कि जैसे चोपड़ा जी दिवंगत हो गए तो उनके बाद जो आपने जिम्मेदारी संभाली, तो कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों को आपने प्राथमिकता दी जिससे कि जन सेवा को और भी नए आयाम मिल सके? देखिए, जैसे सफाई व्यवस्था सबसे पहले, सफाई की व्यवस्था मतलब अपने क्षेत्र में सफाई की व्यवस्था दिन में दो, आप समझ लीजिए 8 बजे से 12 बजे तक हमारा कर्मचारी 1 बज जाता है,
तो हम प्रतिदिन कार्यों को ऐसे कराते हैं कि जैसे हमारे क्षेत्र के अलग अलग सफाई कर्मचारी हैं, तो उन लोग के साथ हम लग करके किस क्षेत्र में, तो एक वो बना हुआ है, चार्ट बना हुआ है जिसमें है कि आज यहाँ नाली साफ होगी, आज यहाँ ये कार्य होगा, आज यहाँ फॉगिंग होगी, आज यहाँ पे जैसे जो भी कार्य है सफाई से संबंधित वो सब हमने एक चार्ट में बनवा लिए हैं जी। तो उस हिसाब से हमारा हर हफ्ते काम होता है जी। तो उसमें कोई कमी नहीं है, वो काम मैं रोज देखती हूँ, पूरा चार्ट बनता है, सफाई नायक के पास पूरा रहता है, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम काम कराते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा ये बेसिक एमिनिटीज है जो कि एक जनता की आकांक्षाएं होती है अपने पार्षद से कि उसको एड्रेस करें, तो आपके वार्ड में जो स्वास्थ्य और शिक्षा पे जो कार्य हुए हैं उसको मैं चाहूंगा कि हमारे जनता के बीच में। देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबसे बड़ा एक ये योगी जी और मोदी जी की तरफ से आया था, तो अब उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिलने लगा है जी। आप यहाँ माध्यमिक स्कूलों में आप जाइए, बेसिक शिक्षा के स्कूलों में जाइए, तो देखिए आप बच्चों की संख्या भी बढ़ गई है और बच्चों मतलब एक विद्यालय को इतना अच्छा इतना सुचारू रूप से सजा के बच्चों को वो किया गया है कि मतलब पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से अब हो रही है, क्योंकि हम लोग हमेशा जाते रहते हैं स्कूलों में, तो देखते हैं कि बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं, उनको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनका खाना जो बनता है सफाई से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो मतलब इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मतलब योगी जी के कथन अनुसार कि मतलब किसी भी स्कूलों में कोई भी तरीके की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, तो ये कार्य हम लोग स्वयं देखते हैं। आप आपकी पूरी निगरानी में? जी बिल्कुल, मैं जाती हूँ, मेरे एरिया में दो पढ़ते हैं माध्यमिक स्कूल, एक हमारे ऊंचे मंडी में है और एक हमारा यहाँ अखाड़ा मानधाम है, तो दो हमारे स्कूल हैं, दोनों स्कूल में मैं बराबर जाती हूँ, वहाँ के शिक्षक भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे भी जो शिक्षिका है वो भी बहुत अच्छी है, प्रिंसिपल जो है यहाँ की, तो कोई लापरवाही इस तरीके की नहीं है, बल्कि स्कूलों को और अच्छा बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहा है स्कूल, तो हम ये चाहते हैं कि इसको इसमें और बढ़ोतरी हो, मतलब योगी जी अगर और आशीर्वाद देंगे तो बच्चों की का भविष्य और अच्छा होगा जी। एक जाते जाते मैं दो क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, एक तो कोरोना का जो काल था वो काफी अहम माना गया क्योंकि उस समय रोजगार की व्यवस्था ठप हो चुकी थी, जो बीमारी थी वो अंदरूनी मतलब पूरे पूरे नगर को क्या कहेंगे पूरे देश और पूरे विश्व के पटल पे लोगों को हिला दिया, उसने कैसे उसको आपने मैनेज किया? कोरोना काल में आप समझ लीजिए कि एक दिन भी ऐसा नहीं होता था जिसे मैं नहीं निकलती, ग्लव्स पहन के मास्क लगा के जिस भी तरीके से जो भी इंडिकेट किया गया था हम लोगों को वो पहन के हम लोग निकलते थे, डेली सैनिटाइज डेली फॉगिंग उस समय की बात आपको बता रहे हैं। उसके बाद वैक्सीनेशन के हमने कई कैंप लगवाए अपने क्षेत्र में, मैंने वैक्सीनेशन के बहुत कैंप लगवाए, उसमें आप अधिकतर बच्चों को मैंने बड़ों को बूढ़ों को जिनके जो आ नहीं सकते थे उनके पास स्वयं ले जा करके घर में वैक्सीनेट कराया उन लोगों को, तो मैंने कोरोना काल में बहुत कार्य किए और मुझे कोई डर नहीं था कि मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड समाज सेवक थे तो मुझे मैं भी उन्हीं के पचन्ने पर चल रही हूँ, तो मैं भी इसी तरीके से निकलती थी और पूरा अपने को पैक करके कि वहाँ थोड़ा सा प्रिकॉशन ले करके कि नहीं ये ना हो कि हमको भी कुछ हो जाए तो हम देख ना पाए, तो हमारे कर्मचारियों को भी हम अपना प्रोत्साहित करते रहते थे, सारे कर्मचारियों को भी हमने राशन है, जो गरीब लोग आते थे उन लोगों को राशन है, ये सब हम लोग अपने तरीके से भी करते थे और सांसद जी के कोटे से जो आता था वो भी करते थे, महापौर जी के कोटे से जो आता था वो भी हम लोग करते थे। ये एक जो टीस रहती है क्योंकि वीरगंज थोड़ा सा ऐसा कस्बा है जहाँ पे गली छोटी छोटी गली में है, तो जो बच्चे हैं उनके खेलने की व्यवस्था जो है सुचारू रूप से नहीं दिख रही है, पार्कों की कमी है, उस पर आपने कुछ अपना विचार किया? पार्क हमारे यहाँ दो हैं, दो पार्क हैं, एक त्रिपोलिया में है माझी टोला में और एक अखाड़ा, तो ये मेरे एरिया में आते हैं, ऐसे तो पार्क बहुत हैं, ये दोनों पार्क मेरे एरिया में आते हैं, तो अभी ये इसके लिए मैंने सोचा है यहाँ बिफोलिया वाले के लिए भी और आपके अखाड़ा मानखा वाले के लिए भी, तो इन दोनों पार्क के लिए भी महापौर जी के सामने प्रस्ताव रखा था कि इसमें भी ओपन जिम लगवा दें तो जिससे बच्चे एक्सरसाइज वगैरह कर सकें, और वहाँ पे लग गया है। अच्छा, एक जगह लगा है, वहाँ लग गया लेकिन वहाँ की जो जमीन है वो अभी नहीं बनी। अच्छा, तो अब ये प्रयास किया जाएगा, ये अब इलेक्शन हो जाए
क्योंकि अब तो नया वो तरीके से होगा, तो अगर अभी कोशिश करूंगी कि महापौर जी से कहूँ कि नहीं ये आप कराइए, और अगर नहीं होता बाई चांस ऐसा कोई सकल स्टांसर होता है कि नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम उसको नेक्स्ट उसके लिए रखेंगे। ठीक है, ठीक है। कि मतलब इसके लिए हम ये एक मैं मतलब सम अप करना चाह रहा था, लेकिन आपने बड़ा इंटरेस्टिंग चीज रखा कि इलेक्शंस के बाद की जो आपकी तैयारी होगी वो आप कौन कौन से ऐसे, एक तो आपने ओपन जिम के बारे में बताया, इसके अलावा भी आप कौन कौन से ऐसे विषय होंगे जिनके साथ आप इलेक्शंस में जाना चाहेंगे? देखिए, ये पुरानी आबादी वाला क्षेत्र जी, यहाँ पे पानी की समस्या। अच्छा, तो पानी की समस्या के लिए हमारे इधर अखाड़ा मान खान में पानी की बहुत समस्या है, ऊंचा मंडी में भी बहुत समस्या थी, तो अभी समर सेबल महापौर जी से कह के लगवाया गया है। ठीक है, तो उसका काम अभी चल रहा है। ठीक है, तो उससे लोगों की जो ये पेयजल की समस्या है वो सुचारू रूप से चलने लगेगी। और इधर भी हम यही कोशिश करेंगे कि एक मिनी ट्यूबवेल लग जाए जिससे कि इधर के लोगों को भी सुविधा हो जाए। तो एक ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है पानी, क्योंकि बिना पानी के तो कोई नहीं रह सकता है। तो इसके लिए मैंने सोच के रखा है कि ये पानी और बच्चों के विकास के लिए या बच्चों के खेल कूद के लिए एक ऐसा ओपन वो बनाया जाए जिसमें बच्चे शाम को आए खेलें सुरक्षित, जैसे सड़क पे खेलते रहते हैं बच्चे, गलियों में खेलते रहते हैं, तो एक ऐसा वो बने कि जहाँ पे बच्चे अपनी मर्जी से खेल सकें, अपनी मर्जी से बैठ सकें, जो भी है अपना, तो उस तरीके का एक हमने सोच के रखा हुआ है। और बाकी तो सब अच्छा ही है, बाकी हमारा जो सफाई का काम है वो भी हम चाहते हैं कि वो भी सुचारू रूप से चलता रहे, क्योंकि तो उसमें भी देखिए बहुत लापरवाही होती है। होता क्या है कि पब्लिक तो आप जानते ही हैं, कूड़ा तो एक बार उठेगा, झाड़ू भी एक बार लगेगी, बहुत होगा मैक्सिमम दो बार उठ जाएगा, लेकिन पब्लिक का काम क्या होता है कि दिन भर कूड़ा फेंकना, तो जिसके लिए महापौर जी ने एक और व्यवस्था कराई है जो घर से कूड़ा लेते हैं, घर घर कूड़ा लेने वाले, तो उसके लिए भी हम लोग ये लोगों को पब्लिक को बता रहे हैं कि आप लोग कूड़ा फेंकिए मत बाहर, आप लोग बांध के रखे रहिए, नेक्स्ट अगर उस डे मतलब सेम डे आता है तो आप उस दिन दे दीजिए, और अगर नेक्स्ट डे आता है अगर आपका कूड़ा और हो गया है तो आप बांध के रखिए पन्नी में, और जब वो आए तभी आ दीजिए, फैलाइए मत, गंदगी मत करिए। ये तो हम लोग निकलते हैं तो बताते ही रहते हैं, लेकिन अब वो है सिविक सेंस वाली बात है कि पब्लिक कैसे करती है। ठीक है, जाते जाते बस मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि जो हमारे दर्शक दीर्घा है या फिर आपके जो वार्ड में जो आपके जो वोटर्स हैं उनसे जन मीडिया टीवी के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाहेंगे कि जैसे चोपड़ा जी चुनाव लड़ते थे और लोग उनका सपोर्ट करते थे, क्यों करते थे? क्योंकि वो समाज सेवक थे और क्षेत्र में बहुत काम कराते थे, मतलब क्षेत्र के लोगों के लिए ही सोचते थे, किसी को ना नहीं कहते थे, कोई आ जाता था चाहे उनके बस में हो चाहे ना हो, लेकिन वो किसी को ना नहीं कहते थे, उससे ये कहते थे कि भैया ये काम अभी हो सकता है या ये काम थोड़े दिन बाद हो सकता है, लेकिन होगा जी, हम प्रयास करेंगे, आपका काम हम करा के रहेंगे। तो वही चीज हम भी लोगों से कहेंगे कि हम किसी के भी कार्य को ना करके नहीं चलेंगे, हमको जिसका भी जो भी हमारे हम पे विश्वास कर रहे हैं तो हमको उनका कार्य हर हालत में कराना है, चाहे जैसे कराना है, उसके लिए मुझे लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी तो मैं वो भी कर सकती हूँ। हाँ, ये भी है इसके साथ जी। तो आपने देखा कि हमारे साथ सुनीता चोपड़ा जी बनी हुई थी वार्ड नंबर 77 से, और इन्होंने सत्येंद्र जी के बाद जो जनता ने विश्वास दिखाया था सत्येंद्र जी के ऊपर, कोशिश की है कि उसको आगे भी कैरी कर सके और जनता के साथ कदम से कदम बढ़ा के चल सके और उनके उनके जो आकांक्षाएं हैं उन पे उम्मीदों पे खड़ा उतर सके। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मैं अपने साथी प्रकाश जी और योगेश जी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मैम।